निर्वाचन आयोग ने यहां के वोटर लिस्ट में संशोधन के लिए निर्देश दिए हैं। आयोग ने बाबूलाल मरांडी को तो बीजेपी का सदस्य मान लिया है, लेकिन प्रदीप यादव और बंधु तिर्की को कांग्रेस का सदस्य नहीं माना है। अब दोनों विधायक निर्दलीय माने जाएंगे। इधर बंधु तिर्की का कहना है कि जब जेवीएम से तीनों विधायक बाहर निकले हैं तो तीनों को अभी जेवीएम में ही माना जाना चाहिए। हालांकि उन्होंने कहा कि इस स्थिति में विधानसभा अध्यक्ष को ही निर्णय लेना है। निर्वाचन आयोग के इस संशोधन के बाद राज्य में राज्यसभा चुनाव को लेकर एक बार फिर से सरगर्मी तेज हो गई है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया अपने निर्देश में कि जो विलय हुआ था झारखंड विकास मोर्चा का भाजपा के साथ, वो बिल्कुल सही तरीके से हुआ था। और अब जो केंद्रीय चुनाव आयोग ने लिस्ट भी भेजा विधायकों की, तो उसमें प्रदीप यादव जी को और बंधु तिर्की जी को असंबद्ध विधायक बताया है, निर्दलीय विधायक बताया है। तो इसके बावजूद अगर स्पीकर इस मुद्दे पर कोई फैसला नहीं लेते, तो हमें लगता है ये लोकतंत्र के साथ ये उचित नहीं होगा। और अब तो स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो गई है, दोनों निर्दलीय विधायक हैं, जेवीएम का विलय हो चुका है, बाबूलाल जी भाजपा के विधायक हैं। लेकिन इसके बाद भी अगर राज्य सरकार के प्रेशर में कोई गलत निर्णय होता है तो हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। बहरहाल राज्यसभा के चुनाव में बिल्कुल स्थिति स्पष्ट है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय दीपक प्रकाश जी रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रहे हैं। चलिए, अच्छा है कि चुनाव आयोग ने कम से कम मतदान करने को उनको कहा है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि ये 10th शेड्यूल का जो भी मामले हैं और वो स्पीकर के समक्ष विचाराधीन, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी ये मांग किया है कि बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष की का दर्जा दिया जाए। और जो 2/3 जो संख्या है चुने हुए प्रतिनिधि का, वो कांग्रेस पार्टी में सम्मिलित हुए हैं। 3 में से उनके 2 विधायक जो हैं वो कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण किए हैं। तो ये चीज़ें अभी स्पीकर के यहाँ लंबित है, उनको स्पीकर साहब महोदय को फैसला लेना है कि वो कौन किस में विलय किए हैं, वो उचित होगा, उचित है या सही। खबर 365 न्यूज़ के लिए रांची से प्रतीक सिंह की रिपोर्ट।